question. Roll, roll, roll. Okay, so RJ, Rino or Anjali? चलेगा चलेगा, हाँ भाई शुरू हो जाओ। सॉरी सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके। क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आप लोगों की जर्नी, कैसे एक्सपीरियंस रहा आप लोग? लेडीज फर्स्ट। यस लेडीज फर्स्ट पे एक्सप्रेशन तो और किसी चीज पे नहीं, बट एक्सपीरियंस बहुत। अभी आपने क्वेश्चन पूछा, सॉरी आई एम सो सॉरी, मेरा फ्रेम ही खराब हो रहा है। आप ही फ्रेम खराब हो रहा है उसका, लुक सेंटर, आप ही नहीं दिख रहा सेंटर, लुक सेंटर। यहां पे द जर्नी वाज इंटरेस्टिंग, exciting, humbling and very unexpected, but bahut maza aaya. I know, yeah, bolo. Nino, aap se puchna chahunga, jis tarah maine kafi contestants se pucha ki kaun sabse zyada tough hai, kaun sabse zyada strong hai, inse bhi pucha tha thode der pehle, sabne aapka naam liya. maine kya naam diya tha usko, machli jal ke raha hai. aap agar kuch batana chahoge kis tarah ka aapka safar raha hai aur kitna difficult tha aapke liye aur sabne itni tareef kar rahe, to uske bare mein kya kuch kehna chahoge? tareef wali ke bare mein to mujhe nahi pata bhai, sahi bataun to, kyunki sab log ko milkar bahut zyada pyar hai, hum log masti masti karte rehte hain, baba leche sab ek dusre ko khushi, sab log ek dusre ki tareef karte rehte hain. lekin bas ye bolna chahunga ki maine hamesha se laga ki tv ka show hai, pata nahi kaisa hoga aur kaise log aayenge aur pata nahi kaise kaise log ke samne baithunga, kaise kaise log, in log you know kitna मुझे इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं. बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये, और बहुत बड़ी बात. थैंक्स आई एम वेरी सीरियस कि मुझे लगता है मैं बदल गया एज अ पर्सन. मुझे लगता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया ये सब होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो. इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ फ्रॉम एन आश्रम. सर आप अक्सर आपके लाइफ के सिचुएशन पे आप हमेशा हमने कुछ रैप सुने, अभी आपके 50 डेज पर आपने कैसा रैप सोचे कि यार बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप क्या रैप, एक एक गुण गुण ना दीजिए, एक कोई कोई सुन सुन एक 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 कोई जाए भाई. मैंने लिखा था जस्ट देखिए, सोच रहा हूँ एकदम थोड़ी बोलिए सर क्या था क्या मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना अगर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बैठे के केप टाउन. देखो